गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 17 में क्लास 5 के सब्जेक्ट SST के जो टॉपिक है आज का हमारा भारत के राज्य हैं आज हम उनको मैप में भरना सीखेंगे। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले भारत में कितने थे? 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसे क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब जम्मू कश्मीर की जगह दो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। यानी पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? अब टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत 9 हो गए। जबकि राज्य कितने रह गए? जम्मू कश्मीर को हटाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य रह गए हमारे 28, पहले कितने थे? 29 राज्य थे। तो अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य न होकर एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हम 28 राज्यों में से 15 राज्यों के बारे में मैप में भरना सीखेंगे और उनको याद करेंगे, और उसके बाद जो 13 राज्य बच गए हैं वो हम कल करेंगे। तो पहला है, सबसे हम ऊपर से ही मैप के अनुसार ही भर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? शिमला है। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर तो क्या बन गया है? पहले क्या था? एक राज्य था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसको हम जब केंद्र शासित वाला टॉपिक करेंगे तब भराएं। तो सबसे पहले हमारा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें भर लेना हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? इसकी शिमला है। दूसरे नंबर पे क्या है? पंजाब। और तीसरे नंबर पे क्या है आपका राज्य का क्या नाम है? हरियाणा। इन दोनों की राजधानी क्या है? एक ही है, चंडीगढ़। यहाँ पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब है और हरियाणा पहले एक ही राज्य थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 को क्या है? हरियाणा अलग राज्य बना था। इन दोनों, अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में क्या है? दिल्ली। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है और हमारे देश की राजधानी भी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक राज्य और अलग हुआ था, कौन सा हुआ था? हमने सेकंड लेसन में बूंद बूंद दरिया दरिया में आपको बताया भी था, कौन सा था वो? उत्तराखंड। ये रह गया, यहाँ पे आप उत्तराखंड राज्य भरोगे। उसके बाद आप इस साइड आओगे तो ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये भी हमने सेकंड लेसन में बताया था आपको कि राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो 28 राज्य हैं इनमें सबसे बड़ा है। फिर राजस्थान के ठीक नीचे कौन सा राज्य है आपका? ये समुन्द्र के किनारे गुजरात। गुजरात के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि गुजरात की जो ये समुद्र लगता है, नीला है, क्या है? समुद्र है। तो समुद्र सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की। गुजरात के ठीक बीच में क्या है? गुजरात के आगे ये मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट होता है, मध्य में भी है, ध्यान रखना ये क्या है? मध्य प्रदेश। इस साइड वाले हम बाद में कराएंगे, हम पहले सीधे नीचे जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है? ये महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र उसके नीचे फिर ये क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी क्या बताई थी? बेंगलुरु। महाराष्ट्र की क्या थी? मुंबई। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक राज्य और है छोटा, कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और गोवा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। छोटा कौन सा है? गोवा है। कर्नाटक के बाद आपका क्या आता है? केरल। इस साइड ये दो राज्य हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इस साइड क्या है? ये तमिलनाडु। ध्यान रखना जो भारत का मैप है नीचे, इस साइड आपका केरल है पश्चिमी साइड, और पूर्व के साइड आपका क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ठीक ऊपर आप इस साइड आओगे तो क्या है आपका? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी पहले? हैदराबाद थी, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, कौन सा हुआ? तेलंगाना।
तो हैदराबाद किसकी राजधानी बन गई? तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रह गई? अमरावती। तो तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। और राजस्थान क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात क्या है जिसकी तट रेखा जो सबसे लंबी है, समुद्र से सबसे लंबी तट रेखा लगती है। और गोवा सबसे छोटा राज्य। तो ये आपके 15 राज्य हैं। आज हम इतना ही भरेंगे। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश, फिर आप पंजाब भरोगे, पंजाब के ठीक नीचे आपका हरियाणा है, फिर आप उत्तर प्रदेश भरोगे, उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, जो 2000 में नया राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। फिर ही आप इस साइड आओगे तो राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आपका गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, नाम से ही स्पष्ट है कि बीच में है तो मध्य प्रदेश। फिर हम इस साइड वालों से शुरुआत करते हैं, फिर महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के ठीक नीचे कौन सा? कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन सा राज्य है? गोवा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और कर्नाटक के ठीक नीचे, ये दोनों आमने सामने हैं, एक पश्चिम साइड में है तो एक पूर्वी साइड में, तो क्या है? केरल और तमिलनाडु है। और उसके ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना था? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश क्या थी? हैदराबाद की राजधानी थी, लेकिन तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद हो गई। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनी? अमरावती बनी। अब आप जो समुन्द्र वाला इलाका है, यहाँ पर भी क्या भरोगे? इस साइड आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इस साइड आपका है अरब सागर। और नीचे आपका बिल्कुल नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये आप मैप में भरोगे। और जो 13 राज्य रह गए हैं वो आप कल वाले में भरोगे। एक बार और देख लो। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या बताई है आपकी? शिमला। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी क्या बताई है? चंडीगढ़। और कहाँ पर है चंडीगढ़? पंजाब और हरियाणा के बीच में है, और दोनों की संयुक्त राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राजस्थान की क्या है? जयपुर। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की मुंबई। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की अमरावती। तेलंगाना की हैदराबाद। गोवा की क्या है? पणजी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब नोट कर लो ये दो चार बातें हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब राज्य से अलग होकर नया राज्य बना। और तीसरा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, तथा गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो ये काम दिया गया पूरा सारा अपनी सॉफ्ट कॉपी में लिखना भी है, और आपको ये राज्य हैं जो मैप में भरने भी हैं।